नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आइए उसके पहले देखते हैं कुछ प्रयोग। जब भी एक पानी से भरे ग्लास में हम कोई छड़ी नुमा चीज डालते हैं तो बाहर से देखने पर वो हमें तिरछी दिखाई देती है, या फिर एक पानी से भरे ग्लास में रखा हुआ सिक्का जो कि उसकी तली में होता है, जब हम उसे बाहर से देखते हैं तो वो अपनी स्थिति से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। या फिर एक मछली मारने वाले को मछली अपनी खुद की स्थिति से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, और मछली मारने वाले को ये समझना पड़ता है कि मछली की वास्तविक स्थिति क्या होगी। तो ये सब प्रयोग जो हमने अभी यहां देखे, ये हमें क्या बतलाता है? यह हमें प्रकाश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र से अवगत कराता है, और ये चरित्र है प्रकाश का अपवर्तन। आइए सीखने की कोशिश करते हैं कि यह प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। इसे सीखने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है। इस चित्र में यह जो बीच में आपको वस्तु दिख रही है, यह कांच का एक आयताकार स्लैब है, और यह जो किरणें, ये जो किरणें आ रही हैं, ये लेजर किरणें हैं जो इस कांच के आयताकार स्लैब के ऊपर आपतित हो रही हैं। हम देख सकते हैं कि जब भी ये लेजर प्रकाश की किरण इस आयताकार स्लैब पर आपतित हुई तो यह अपनी रेखा से, अपनी वास्तविक सीधी जाती हुई रेखा से विचलित हो गई है, विचलित होकर के, और जब यह बाहर निकलने लगी तो यह फिर से जिस रेखा में इसे सीधी रेखा में गमन करना चाहिए था, उस रेखा में गमन ना करते हुए यह फिर से एक विचलित दिशा में गमन कर रही है। तो इस प्रयोग से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश की का चरित्र अलग अलग माध्यमों में, जैसे यहाँ पे यह माध्यम है वायु अर्थात हवा, और यह माध्यम है कांच, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का जो चरित्र होता है वो बदलने लगता है। आइए इसे और अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। आइए एक कांच का आयताकार स्लैब लेते हैं। इस स्लैब के चारों तरफ वायु है, अर्थात हमें यहां पर दो अलग अलग माध्यम मिल रहे हैं। दो अलग अलग माध्यम कहने का मतलब यह माध्यम है कांच और एक और माध्यम है वायु जो कि इसके चारों तरफ फैला हुआ है। एक प्रकाश की किरण जो कि इस कांच के आयताकार स्लैब के ऊपर आपतित हो रही है, उस आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु और उस आपतित किरण के वहां हम एक अविलंब बनाते हैं। यह अविलंब हमेशा इस कांच के आयताकार स्लैब से 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसा मान लेते हैं कि आपतित होने के बाद इस ये प्रकाश की किरण उस कांच के माध्यम के अंदर चली जाती है और मुड़ जाती है। हम यह आगे देखेंगे कि यह किरण का मुड़ना कैसे निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है, हम यह आगे देखेंगे। पर इस चित्र में हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जब अंदर मुड़ जाती है तब क्या होता है। अंदर मुड़ने के बाद इस बाहर निकलने के बिंदु पर, अर्थात फिर से इस कांच माध्यम और वायु, इन दो माध्यमों के बीच में का जो एक बिंदु है, बीच का जो बिंदु है, उस बिंदु पर फिर से हम एक अविलंब लेते हैं, और यह अविलंब फिर से 90 डिग्री का कोण बनाता है जैसे कि यह अविलंब बना रहा था। ये दोनों अविलंब बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यह आखिरी प्रकाश की किरण जो बाहर निकल गई और यह फिर से एक अलग कोण के साथ बाहर निकल रही है। ऐसा मानते हैं कि यह जो प्रकाश का मुड़ना है
यह एक निर्धारित नियम के तहत होता है जो कि हम आगे सीखेंगे। इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। जो किरण कांच के अंदर है उसको कहते हैं अपवर्तित किरण, और जो किरण बाहर निकल गई उसको कहते हैं निर्गत किरण। आइए अब सीखने की कोशिश करते हैं कि जो प्रकाश का मुड़ना है स्लैब के अंदर और फिर स्लैब से निकलते वक्त वह कैसे निर्धारित किया जाता है। तो मैं यहां एक कांच का आयताकार स्लैब बनाने की कोशिश करता हूं। यह कांच का आयताकार स्लैब है। एक किरण, प्रकाश की किरण जो इस पर आपतित हो रही है, तो हम यहां एक अविलंब बनाते हैं। मान लिया कि यह आप प्रकाश की आपतित किरण इस अविलंब के साथ आई एंगल बना रही है, आई आपतित कोण बना रही है। जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए, विरल माध्यम अर्थात जैसे वायु और सघन माध्यम जैसे कांच, वायु और कांच इसका एक, ये जो मैं कह रहा हूं विरल माध्यम और सघन माध्यम, यह हम आगे देखेंगे कि यह कैसे निर्धारित होता है कि कौन विरल माध्यम है कौन सघन माध्यम है। एक सामान्य से दिमाग के लिए विरल माध्यम और सघन माध्यम समझना बहुत आसान है। आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि वायु एक विरल माध्यम है, इसका जो घनत्व है वो कांच के घनत्व से कम है, इसलिए हम इसे विरल माध्यम कह रहे हैं और कांच को सघन माध्यम कह रहे हैं। खैर आगे देखते हैं दोस्तों। जब यह प्रकाश की किरण इस कांच के स्लैब पर पड़ रही है तो यह आई एंगल बनाती है। तो अपवर्तन के नियमों के अनुसार जब भी प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ने का मतलब है कि इस किरण को ऐसा सीधा जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, पर यह सीधी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अपवर्तन के नियमों के अनुसार जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और अभिलंब कहाँ है दोस्तों? अभिलंब ये है, यह जो हम यहां देख रहे हैं यह अभिलंब है। तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यह अभिलंब की ओर मुड़ गई, अपनी सीधी रेखा में गमन नहीं किया इसने। अभी अभी हमने देखा कि फिर से उस माध्यम पे हमें एक और अभिलंब बनाने की जरूरत है जहां से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक और अभिलंब है। अपवर्तन का नियम यह भी बतला रहता है हमें दोस्तों कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए तो वह अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो वास्तव में इस प्रकाश की किरण को अपनी सीधी सरल रेखा में ऐसा गमन करना चाहिए था, पर यह अभी अभिलंब से दूर हो जाएगी। ऐसे यह कोण जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है यहां पर, इसे हम स्मॉल आर से दिखा सकते हैं। और यह कोण जो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच यहां पर बन रहा है उसे हम आई डैश से दिखा सकते हैं, क्योंकि इस सतह के लिए वह आपतित कोण के रूप में काम कर रहा है। और यह कोण जो अविलंब और निर्गत किरण के बीच बन रहा है उसे हम आर डैश से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने हर कोण को एक नाम दे दिया है दोस्तों। एक और बात जो ध्यान देने लायक है दोस्तों वो ये कि आपतित किरण अर्थात ये आपतित किरण को अगर हम आगे बढ़ाएं इस तरह से, और यह निर्गत किरण को भी आगे बढ़ाएं, तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे। यह आयताकार स्लैब से जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है तो ऐसा हमेशा होगा दोस्तों कि आपतित
किरण और निर्गत किरण हमेशा एक दूसरे के समानांतर ही होने चाहिए। आइए अब एक प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। इस नियम का नाम है स्नेल के अपवर्तन का नियम। यह कहता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण अर्थात आई यहां पे, और अपवर्तित कोण और अपवर्तन का कोण अर्थात ये आर, इन दोनों की जया, मैं यहां इसको लिखता हूं, आपतन कोण की जया अर्थात साइन आई एवं अपवर्तन कोण की जया अर्थात साइन आर, इनका अनुपात हमेशा एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक अर्थात कांस्टेंट, ये हमेशा एक कांस्टेंट होता है दोस्तों, स्थिरांक। इस कांस्टेंट को ही, इस स्थिरांक को ही हम लोग अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं, अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। यह अपवर्तनांक एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझने की चीज है दोस्तों, जिसे हम आगे देखेंगे। तो इस नियम को कि आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया एक स्थिरांक होगी, इस नियम को हम लोग स्नेल के अपवर्तन का नियम कहते हैं। आइए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिकी राशि है दोस्तों, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यह माध्यम, इसे हम यहां माध्यम एक मान रहे हैं और कांच को माध्यम दो। अपवर्तनांक को हम म्यू से लिखेंगे। तो अगर हमने ऐसा लिखा म्यू वन टू, जिसका मतलब हुआ कि माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल, और यह जो राशि हमें मिलेगी यह हमें बतलाएगा कि माध्यम एक का अपवर्तनांक दो के सापेक्ष कितना है। तो यह एक सापेक्ष अपवर्तनांक है। अगर माध्यम एक वायु है और हमने ऐसा लिखा म्यू टू वन, इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल माध्यम एक में बटे प्रकाश की चाल माध्यम दो में, और हम सबको पता है कि वायु में प्रकाश की चाल c होती है, जो कि बराबर होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये c हमें पता है दोस्तों, c बाय भी अर्थात प्रकाश की चाल उस माध्यम में। तो यह जो राशि है हमें अपवर्तनांक देगा माध्यम दो का और एक के सापेक्ष, पर चूंकि यहाँ एक हमने वायु को माना है तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं है, बल्कि यह एक एब्सोल्यूट अपवर्तनांक है। एब्सोल्यूट अपवर्तनांक को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो अगर यह एक माध्यम वायु है तो हम इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं, पर अगर यह वायु ना होकर कुछ और माध्यम हो जैसे जल या फिर कुछ भी, तो हम इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं कह सकते, बल्कि हमें सापेक्ष अपवर्तनांक लेना होगा। तो आखिरकार यह अपवर्तनांक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमें बतलाता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है या कम है। आइए इसे और गहराई में देखें। मान लीजिए कि वायु में प्रकाश की चाल c, जो कि मैंने यहां लिखा है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, और प्रकाश की किरण वायु से कांच में आ रही है, तो कांच का अपवर्तनांक हमेशा ही एक से ज्यादा होगा। अपवर्तनांक कांच का हमेशा एक से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कांच के अंदर प्रकाश की किरण की चाल हमेशा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से कम होगी। प्रकाश का जो मैक्सिमम
चाल होती है, जो सबसे ज्यादा चाल हो सकती है, वो हो सकती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कांच के अंदर इसकी चाल सी के वैल्यू से, सी के माप से हमेशा कम होगी, जिस कारण से अपवर्तनांक जो है वो हमेशा ज्यादा होगा कांच का। तो कभी भी अगर दो सापेक्ष चीजें हैं, जैसे कि यहां और क्या हो सकता है आइए देखते हैं, एक माध्यम यह कांच हो सकता है और दूसरा माध्यम जल हो सकता है। तो अगर आपको पता है कि एक दो इसको मान लेते हैं, तो μ12 = चाल प्रकाश की माध्यम दो में बटे चाल प्रकाश की माध्यम एक में। तो ये अगर हमें चाल पता है तो हमें एक सापेक्ष अपवर्तनांक मिल जाएगा। यहां पर कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के अपवर्तनांक की राशि दी गई है दोस्तों, जैसा कि वायु का अपवर्तनांक लगभग लगभग एक के बराबर है, तो इसे हम एक ही मान लेते हैं। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, उसी तरह हम यहां दूसरी माध्यमों के अपवर्तनांक भी देख सकते हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि हर अपवर्तनांक एक से ज्यादा द्रव्यमान रखता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि कोई भी माध्यम जो हम जानते हैं, अगर उसे हम यहां नीचे लें, ये एक माध्यम जो भी हम जानते हैं, और ये एक वायु का अपवर्तनांक एक है, तो यह इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, अर्थात यह एक सघन माध्यम है, यह एक सघन माध्यम है, और वायु एक विरल माध्यम है। वायु का हम अपवर्तनांक एक मान के इसको बना रहे हैं। तो प्रकाश की चाल जब भी इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसको जाना ऐसा चाहिए था, पर ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो ये सघन माध्यम यह बतला रहा है कि प्रकाश जब भी इसके अंदर आएगा तो उसकी चाल जितनी विरल माध्यम में थी उससे कम हो जाएगी। अर्थात वायु में अगर हम प्रकाश की चाल को 3×10⁸ मीटर पर सेकंड माने, जिसको सी से भी लिखते हैं, तो ये जो भी होगा, भी अर्थात सघन माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, वो इस सी से कम होगी, हमेशा सी से कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, तो सघन माध्यम में आते ही इसकी चाल कम हो जाएगी, और यही कारण है कि प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कब? जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। तो ये थी दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन की मूलभूत बातें। आइए अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। जब मछली मार को मछली अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देती है, अर्थात नजदीक दिखाई देती है जल की सतह के, तो अगर मछली भी इस मछली मार को देख रही होगी तो उसे क्या मछली मार नजदीक दिखाई देगा या जल की सतह से दूर दिखाई देगा? मैं आपको इसका जवाब भी दिए देता हूं कि मछली को यह मछली मार जल की सतह से दूर दिखाई देगा, अर्थात अपनी वास्तविक स्थिति के ऊपर दिखाई देगा। आप इस पर थोड़ा सोचें और अपवर्तन के नियमों का उपयोग करके इसका हल भी ढूंढ सकते हैं।